तुम्हारी फेवरेट वाली पजल कहाँ है? हम साथ में बना सकते हैं या ड्राइंग भी कर। मून? क्या हुआ बेटा, अब सैड क्यों? जीनेटिस, मुझे मॉप से मिलना है। वो यहाँ आई थी, वो मुझसे मिली नहीं। आप मुझे मौसी मिलाओगे? मुझे कुछ पूछना है उनसे। आपका धमाका हुआ कि नहीं? अब तक तो हो गया होगा। एक बार मैं फोन करके लाइव अपडेट ले देती हूँ। हेलो, इंदूर है ना, वहाँ आई है क्या? हाँ आई तो थी, पर रितेश सर ने उसे जोन से मिलने नहीं दिया। बिना जोन से मिले से वापस जाना पड़ा। अच्छा, गॉड, कहीं जूम रितेश को सारी बातें ना बक दे जो मैंने उससे कही थी। मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। विवान, तू ऐसा कर, यू टर्न मार और मुझे वापस सेंटर छोड़। क्या पूछना है आपको? आप मुझे पूछ लो। मुझे पूछना था कोई। रितेश, आप यहाँ? रितेश नॉर्मल है, मतलब इस लड़की ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। थैंक गॉड बच गई। हाय जून पुत्र, आपको चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज कैसी लगी? ये भावना आंटी हैं, ये आपको लेने आई हैं। आपके मिल्क पीने का टाइम हो गया ना, और सारे बच्चे डाइनिंग एरिया में आपका वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से जाकर दूध पी कर आ जाओ। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। पर जून, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो फिर आप स्ट्रॉन्ग गर्ल कैसे बनोगे? आपको पता है आपके जिनी रितेश भी दूध पीते हैं। आप जीनी रितेश की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ना, फिर दूध तो पीना पड़ेगा और कुछ खाना भी पड़ेगा। ओके प्लीज। ओके अर्नज, आप ले जाइए। चले बेटा, आराम से जाओ 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 जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जून को मिलकर गई, तभी उसके लिए चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज लाई थी। थैंक यू दी, कितना सोच रहे हो आप जून के लिए? ऑफ कोर्स रितेश, मुझे पता है इसको देखकर इतनी ज्यादा फिकर हो रही है कि मैं क्या बताऊं। बस तू कुछ भी करके इसको निकाल यहां से। प्रोसेस चल रहा है दी, लेकिन आज तो उस इंदु ने जो भरे कोर्ट में कहा है, उसके बाद तो मैं उसे जून के आसपास भटकने नहीं दूं। मतलब? उसने सरेआम कोर्ट के सामने कन्फेस किया है, उसे जून तो चाहिए ही नहीं, मजबूरी थी उसकी। अब आए करे अपनी ममता का दिखावा, दिखाता हूँ उसे फिर। बस एक ही बात खाई जाती है कि जून बहुत अपसेट है, खा पी नहीं रही ठीक से। मैं बस चाहता हूँ पहले की तरह खेले, मस्ती करे, स्माइल करती रहे हमेशा। वैसे ऐसे माहौल में जून के चेहरे पर स्माइल लाने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? क्या? बच्चों की पार्टी? यस, प्लीज मना मत कीजिएगा। देखिए ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, जून के साथ बाकी बच्चों को भी मजा आएगा। एंड आई एम श्योर आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज तो करते ही होंगे। हाँ कामना जी, बर्थडे तो करते हैं, बट अभी तो किसी बच्चे का बर्थडे भी नहीं है, फिर ऐसे विदाउट एनी रीजन कैसे? बच्चों को क्या रीजन चाहिए होता है मैम, बच्चों के लिए तो रोज पार्टी है, रोज बर्थडे, रोज दिवाली। देखिए जून यहाँ कंफर्टेबल हो जाएगी, बच्चों के साथ घुल मिल जाएगी, प्लीज। एंड वी गारंटी यू कि सब बच्चों को बहुत मजा आएगा। हाँ हम सब मैनेज कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस परमिशन दे दीजिए। हाँ कह दीजिए। ठीक है, अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो जून के लिए मैं आपको अलाउ करती हूँ। थैंक यू। इंदू को बेल दिलवाना हमारी फर्स्ट पार्टी थी, वो तो हो गया। अब हमें ये सोचना है कि जून को घर वापस कैसे लाएं। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे जून से मिलना है। क्या प्लीज मुझे जून से मिलवा सकते हैं? बस थोड़ी देर के लिए, वही मेरे लिए बहुत होगा। प्लीज मुझे मेरी बेटी की आवाज सुननी है बस। देखना तो अगर कुछ हो सकता है तो। ओके, मैं एक बार सेंटर में फोन करके देखता हूँ। हेलो, मैं अतुल बोल रहा हूँ, इंदू रैना का लॉयर। जी बोलिए। उनकी बेटी जून रैना आपके सेंटर में रह रही है, आज वो उनसे मिलने आई थी लेकिन आप लोगों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। देखिए उनकी हालत बहुत खराब है, क्या प्लीज इंसानियत के नाते एक बार उनकी बात जून से करवा सकती हैं? देखिए सर ऐसा है कि मैम, वो रितेश मल्होत्रा ने पूरा हॉल खाली करने को बोला है, खाली करवा दूं? पूरा हॉल क्यों खाली करवाना है? वो बच्चों के लिए पार्टी रखी है तो गेम्स, खाना पीना, कार्टून कैरेक्टर्स सब होंगे, इसलिए जगह चाहिए। ठीक है करवा दूं। हेलो,
मैम, हम आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्चुअली इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। दिस इज सो अनफेयर, यहाँ दी को जून से मिलने नहीं दे रहे और वहाँ वहाँ वो रितेश मल्होत्रा की स्टूपिड कार्टून पार्टी के लिए पूरा हॉल खाली करवा रहे हैं। कोई बात नहीं अंजू, आज मुझे जून को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कब तक आएगा वो? चल ठीक है, सब अच्छे से करना। इंदु, गुड न्यूज है, रितेश की सीए वाली पार्टी मेरा ही जूनियर तुषार ऑर्गेनाइज कर रहा है। उससे सारी डिटेल्स ले लिया मैंने और मैंने ये भी सोच लिया कि जून से मिलने हम पार्टी में कैसे जाएंगे। क्या हुआ इंदु, इतना सैड क्यों हो रही है? जून से मिलना था ना। अरे मिलने तो जा रहे हैं उससे। विवेक, मुझे जून को सब सच बताना है। कौन सा सच? यही कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। आज तक मैंने जून को ये सच नहीं बताया है, ये सोच कर कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो मुझसे दूर तो नहीं जाएगी ना। मौज की कसम की वजह से मैंने जून को आज तक लीगली अडॉप्ट नहीं किया और आज देखना हम दोनों की क्या हालत है। अब मैं इस सिचुएशन को और नहीं बिगाड़ सकती। जून को सच जानने का पूरा हक है और मैं नहीं चाहती कि मुझसे पहले जून को किसी और से ये सच पता चले। इसलिए मुझे सबसे पहले जून को ये बात बतानी है। बिल्कुल सही सोच रही है तुम, जरूर बताना जून को सारा सच। उसके बाद देखना तेरा और जून का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। वेक, मैं आज जून से मिल तो पाऊंगी ना? ऑफ कोर्स मिलेगी। मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि तुझे जून से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बॉब जी, मौज की दवाई भी लेनी है ना? बॉब जी, बॉब जी, आप ठीक हो? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पर बॉब जी, आप लग तो नहीं रहे हो, दोपहर में किचन में भी परेशान थे और अभी भी खोए खोए से हो। बॉब जी, क्या बात है, कहीं आप हमसे कोई बात तो नहीं छुपा रहे हो? बेटा, आज मैं वो रेस्टोरेंट गया था पैसे कलेक्ट करने के लिए, वहां मैंने जून की असली माँ को देखा। जून की माँ को? नहीं नहीं बॉब जी, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं 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 बेटा, उसका चेहरा मेरी आंखों में इस तरह छप चुका है, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। पता नहीं इतने सालों बाद क्यों लौट आई है यहाँ, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आप कौन? जी मैं इंदु की कॉलेज फ्रेंड हूँ, जूही। जूही, मैं आपसे मिली नहीं हूँ शायद बेटा। जी वो एक्चुअली मैं कॉलेज के तुरंत बाद कनाडा चली गई थी, तो सारे फ्रेंड्स के साथ मेरा टच छूट गया था। जब से वापस आई हूँ सोचा सबसे एक एक करके मिल लूँ, तो इंदु से मिलने चली आई। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आओ, अंदर आओ बेटा। सर खाना और डेकोरेशन हो गया है। हाँ देखा मैंने, कामना दी ने सब कुछ अच्छे से सुपरवाइज किया है। जी बस टैटू आर्टिस्ट और क्लाउन्स आने बाकी हैं। क्लाउन्स बेस्ट, बच्चों को बहुत मजा आएगा। यस सर, किड्स पार्टी का सबसे हिट आइटम है ये। कॉन्फिडेंट इंदु, आज हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। आज मैं जून से मिलकर ही रहूंगी। चले चलो।
लोग आ भी गए। एक मिनट, इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे? पहचान लिया मैंने तुम्हें। एक स्टार ही तो दूसरे स्टार को पहचान सकता है यार। अब बच्चों के लिए तुम लोग मुझसे बड़े स्टार्स हो, तो बच्चों को तो बहुत मजा आना चाहिए, और खासकर एक बच्ची जून, वो मेरे लिए दुनिया में सबसे स्पेशल है। ये पार्टी मैंने उसी के लिए ऑर्गेनाइज की है, तो उसके चेहरे पे स्माइल आना बहुत जरूरी है, वो बस खुश हो जानी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट तुषार। यस सर। यार इन्हें ले जा, पार्टी शुरू करने में देर हो जाएगी। जी चलिए, आइए। आई जस्ट होप ज़ून आज इस पार्टी को बहुत एंजॉय करे। बेटा तुमने अभी तक बताया नहीं क्या लोगी, चाय कॉफी कावा? मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, सॉरी, मुझे ऐसे ही नहीं चले आना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, अच्छा किया तुम आ गई, इंदु को तुमसे मिलकर बहुत खुशी मिलेगी। बैठो। क्या आंटी, आपका फोन इतना इम्पोर्टेंट है तो आपको कैफे रखना चाहिए था। रितेश मल्होत्रा, एक दिन का पाप। वाह, इंदु तो बिल्कुल नहीं बदली, जैसे कॉलेज में दिखती थी आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है, और ये बच्ची भी फोटो में देखकर लग रहा है उसी की होगी। नहीं नहीं, ये बच्ची इंदु की बेटी नहीं है। तो फिर ये प्यारी सी बच्ची? अब तुम इंदु की इतनी अच्छी दोस्त हो तो तुमसे क्या छुपाना। 5 साल पहले इंदु को बस में मिली थी, कोई पत्थर दिल माँ इस बच्ची को पैदा करके इंदु की गोद में छोड़कर भाग गई। और मेरी इंदु के सर पर ऐसा ममता का भूत सवार था कि इस बच्ची को घर ले आई और इसकी मां बन गई। इस बच्ची की वजह से बहुत तूफान आया हमारी जिंदगी में। अपनी बच्ची से बढ़कर पाला है इंदु ने इसे, और अब कोई चाइल्ड सेंटर वाले आकर कह रहे हैं कि ये बच्ची इंदु की नहीं है, क्योंकि इंदु ने अभी तक इस बच्ची को कानूनन गोद नहीं लिया है। मेरी इंदु बहुत तकलीफ में है इस बच्ची की वजह से। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। एक और कप कहवा लाऊं? लिया है सब्जी आशा का? वो बाहर ऑटो वाले के पास है, उसके पास छुट्टे नहीं थे, सामान जरा लेकर आ। हाँ पर सुनिए तो, ये मेरी बेटी है।
बिंदु की दोस्त आई है, पहले उससे तो मिल लो। ऐसे अच्छा लगता है क्या घर आए मेहमान को बिना मिले जा रहे हो? आई बैठे आई। यही तो बैठी थी, कहाँ चली गई? जरूरी काम आ गया होगा इसलिए चली गई होगी। ऑटो वाला इंतजार कर रहा, मैं आता हूँ। अजीब सी औरत है, बिन बताए चली गई। गुड इवनिंग राहुल सर। गुड इवनिंग। सारे स्नैक्स बच्चों के टेस्ट के हिसाब से होने चाहिए। यस सर। ज्यादा मिर्ची तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। और हाँ, ये फेस पेंट और टैटूज, आई होप ये सब केमिकल फ्री है? यस सर, सब ऑर्गेनिक है सर। गुड गुड, चलो आइए बाकी के अरेंजमेंट्स देखते हैं। जी सर। कम। हाँ विवान, पहुंच गया तू घर ठीक से? यस मासी, आप कब तक आ रहे हो? पता नहीं, हाल फिलहाल तो ये बोरिंग सी पार्टी में फंसी पड़ी। आफ्टर ऑल मेरे लाडले भाई ने अपनी लाडली जून के लिए स्पेशल पार्टी जो ऑर्गेनाइज की है, तो थोड़ा लाड तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। वैसे भी ये सारी प्लानिंग मेरी थी ना, मत मारी गई थी मेरी। एनीवे, तू खाना खा लियो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी मासी, बाय। आ जाओ। देखो, स्टेप डाउन। गुड। जून रेडी फॉर सरप्राइज? क्या सरप्राइज से दीने थे? ये देखो। अच्छा लगा आपको ये सरप्राइज? हाँ। आपके लिए एक सरप्राइज और है। क्या? क्लाउन्स। अपने फेवरेट को फ्लाइंग किस करो, कर दो कर दो।